ये जो प्रिंटर है एप्सन वहाँ जाती हैं, कुछ वो आगे खड़ी हैं। ये है जी आदिल स्टेशनरी, ये आप देख सकते हैं जामा मस्जिद के सामने। भाई हमारी जब यूट्यूब की पेमेंट आ जाएगी ना तो इन बैंकों से हम लोग जो है ना पैसा निकाला करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद अपनी सिस्टर के घर। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। ओके, शिनकारी रोड मानसरा पे इनकी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं जाऊंगा मानसरा और आपके साथ शेयर करेंगे आज मानसरा सिटी, जो मानसरा का शहर है। हम खुद डिस्ट्रिक्ट मानसरा में रहते हैं लेकिन जो सिटी है वो हमसे तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की खूबसूरत वीडियो। चैनल पर जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और जो जो चैनल पे पुराने हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। चलें जी शुरू करते हैं आज की खूबसूरत वीडियो। तो वैसे फाइनली निकल चुका हूँ मैं अपने शॉप से, वो सामने जी ये देखें हमारी मेरी शॉप, और अभी गाड़ी का इंतज़ार, ये गाड़ी ऊपर से आ रही है जो हाईएस्ट एक आ रही है, उसमें भी जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और मेरे साथ जो है ना, मैंने अपने साथ दिया है प्रिंटर, ये जो प्रिंटर है एप्सन, ये ख़राब है, इसमें थोड़ा सा काम है, ये करवाना है। एक लैपटॉप है वो ठीक करवाना है, दो तीन चार काम हैं वो करने हैं इंशाल्लाह मानसरा में। तो चलें जी गाड़ी में बैठेंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे गाड़ी का सफ़र कैसा होता है, और हम लोग जो है जो लोकल गाड़ी में जब जाते हैं तो किस तरह हम लोग सफ़र करते हैं वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये हमारी सबसे लास्ट सीट में मैं बैठता हूँ अक्सर, क्योंकि लास्ट सीट पर मेरे ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जगह खुली होती है और निकलने का कोई चांस नहीं होता। देख सकते हैं हमारा सफ़र, आगे जो है लेडीज़ बैठी हैं लोग, यहाँ पर सीट्स आगे भी खाली हैं, पर इंशाल्लाह अभी जो है हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। इसको अपने पास में रखूँगा अगर जगह हुई, नहीं हुई तो फिर इसके लिए मुझे सीट रखनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रश, और तो चलो जो ये सामान सामान हम लोगों ने ये पड़ा हुआ है, हमारा ये लैपटॉप और साथ में ये प्रिंटर। तो वी आर फाइनली अभी मानसरा पहुँच चुके हैं, इस गाड़ी में हम लोग आए थे, ये जो है हमारी गाड़ी है, प्रिंटर यहाँ पड़ा हुआ है। तो चलें जी कोई गाड़ी वाड़ी टैक्सी देखते हैं, ये खड़ी है टैक्सी, तो कोई भी टैक्सी मिलती है तो उसमें इंशाल्लाह हम लोग बैठते हैं। सामने होटल्स वगैरह, और ये जी बसें, ये सारी जो बसेस हैं कराची हैदराबाद सीधा वहाँ जाती हैं, कुछ वो आगे खड़ी हैं, आपको शायद नज़र आ रही हैं कि नहीं। तो चलें जी गाड़ी वाले से बात करते हैं। तो ये तो वहाँ पे जो गाड़ी वाले थे वो किसी और के साथ जो है चले गए, उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो जी, खैरियत है? कॉलेज रोड है जुड़ने, कॉलेज रोड है। कितना किराया है? 300। कितना? 250 में ज़्यादा ना आते हो, 200 नहीं होता? 200 ठीक है, सही है जी, मेहरबानी। तो फाइनली हमने जो है लैपटॉप और प्रिंटर दे दिया हुआ है, अभी चलो चलते हैं, ये पेपर का थोड़ा सा काम करना है, पेपर का जो काम करेंगे इंशाल्लाह कर सकते हैं। चलिए, ये जी हमारा इसको हम लोग गड़ी रोड बोलते हैं, और उसके अलावा हम लोग कश्मीर रोड बोलते हैं, ये सारा कश्मीर रोड है। ये जी आदिल स्टेशनरी,
मैं अपनी शॉप पर जितना भी शुरू शुरू से जब सामान लेता था तो यहाँ से इसी दुकान से मिल लिया करता था। अभी जो है ये सामने है जी वाजी शाह, अभी जो है यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, इधर ही चला जा रहा है सामने। मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी जो है यहाँ पे शोर से आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो चले जी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, काफ़ी अरसे के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। ये रास्ता जो है आपको ये जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ से पहले रास्ता हुआ करता था, अभी यहाँ से रास्ता उन्होंने ख़त्म करके यहाँ पे बना दिया पुल। तो ये माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन काम हो गया। अभी पुल के ऊपर से जाना पड़ेगा। ये है जी ये सामने जो घर है, ये मेरी सिस्टर का घर है, इनके पास भी आएँगे इंशाल्लाह। अभी पहले ये पेपर का काम करवाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ हम जाएंगे तो ऑफिस बंद हो गया तो हमारे लिए फिर परेशानी क्रिएट हो जाएगी और काफ़ी इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। तो पर अभी मैं पहुँचाऊँ जामा मस्जिद, ये आप देख सकते हैं जामा मस्जिद है सामने, और ये सामने जो घर है ये बाबर सलीम सवाती जो के पीटीआई के सरकर्दा कारकुन हैं, ये उनके घर है। उनके पास अभी पहुँचो भाई, हमारी जब YouTube की पेमेंट आ जाएगी ना तो इन बैंकों से हम लोग जो है ना पैसा निकाला करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास YouTube की पेमेंट आई नहीं है। सो व्यूअर्स, फाइनली जो हम पहुंच चुके हैं और अभी इंशाल्लाह जो है सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद जो ऑफिस था जहाँ पे बंदे को मिलना था उससे मिल के फिर इंशाल्लाह आगे करते हैं। तो भाई साहब, ये सामने है मस्जिद, यहाँ पर अभी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ के बाद थोड़ा सा खाना खाएंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ के बाद फिर ऑफिस जाना है, थोड़ा सा काम है इंशाल्लाह, उसके बाद वापसी करनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी, अभी नमाज़ पढ़ी है, अभी नमाज़ पढ़ के जो है मैं वापस बाहर निकलूँ। और यहाँ से लेते हैं जी अपनी चप्पल, ये लेके जी अभी इंशाल्लाह वापसी। और सबसे पहले जी जाते हैं ऑफिस, उससे पहले देखते हैं कुछ खाने वाने को मिल जाए तो फिर कुछ खाते हैं। ये सामने जो मस्जिद है ये यहाँ पे लिखा हुआ है जामा मस्जिद कुबा डब नंबर 2। तो अभी डब नंबर 2 में हूँ मैं इस वक्त, और सबसे पहले जो है हम लोग अभी खाना खा लेते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा होटल है सामने, जैद कराची बिरयानी सेंटर, तो हमें अगर बिरयानी यहाँ से मिल जाती है तो फिर यहाँ पर चलें जी। ऑर्डर कर दिया मैंने बिरयानी का, वो आ जाए और उसके बाद इंशाल्लाह चलें आपसे मिलते हैं भाई दुकान में अभी एक घंटे के बाद। यहाँ पे काम करवाना है, उसके बाद निकलना है। तो यार फाइनली ये काम हो चुका है और अभी हम जाएंगे सीधा अपनी सिस्टर के घर। सिस्टर के घर से फिर इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे जहाँ पे मैंने कंप्यूटर दिया हुआ है ठीक करवाने के लिए, वो ठीक करवाने के बाद फिर हम निकलेंगे वापस। तो इधर जी कुछ खाते पीते हैं, बहुत भूख लगने लगी है मुझे, ठीक है चाय पीते हैं और के साथ कुछ खाते हैं, उसके बाद जाते हैं सिस्टर के घर। तो ये सब फाइनली पहुंच चुके हैं सिस्टर के घर, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कौन आता है गेट पे। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग अ फ्यू आवर्स लेटर। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, ये जी चारशादा चप्पल, जब भी मैं चप्पल लेता हूँ मैं यहाँ से लेता हूँ। तो चलें जी आपको विज़िट करवाते हैं इसका। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चप्पल इनके पास पड़े हैं हर किस्म के। शिनकेरी रोड मानसहरा पे इनकी दुकान है। और ये देखें जी सामने माशाल्लाह जी, तो जो चप्पल मैंने पहने हुए हैं काफ़ी गंदे हुए हैं, तो यही चप्पल मैंने फिर से ले रहे हैं क्योंकि मुझे यही पसंद है। एक तो मज़बूत हैं, दूसरा ये है कि सिंपल से हैं, ज़्यादा उसमें नखरे वखरे नहीं हैं। तो चलिए चप्पल पहनते हैं, देखते हैं आगे। चप्पल यू एन जड़ी में लगे थे ऐसे ना,
के फर्क है? अस उन्होंने मुझे सादे लोग से फसाद बन जाओ असों की पते कि मुझ छिके छिके दिन ये अगर थोड़ा जो काट है ना टाकी लेके ये खाली रबड़ा भी बढ़ा दिए टाकी ही ना देखते हैं कौन से जो है ना वो मुझे पसंद आते हैं वो हम ले लेंगे। ये मेरे चप्पल काफ़ी पुराने हो गए थे फाइनली जी। ये देखें चप्पल जो है वो मैंने ले लिए, अभी तो मैंने पुराने पहने हुए हैं। तो चलें जी अभी इंशाल्लाह जो है ना सीधा सा रास्ता था यहाँ से हम वापस जाएंगे और ये पहनेंगे घर में जाके इंशाल्लाह। अभी मानसेरा से मैंने जितना भी काम था सारा काम ख़त्म हो चुका है। जो प्रिंटर था उसमें जो काम था वो काम मैंने सारा कर लिया। अभी मैं वापस जो है अभी टैक्सी पे बैठ चुका हूँ और अभी यहाँ से इंशाल्लाह वापसी निकल रहे हैं। अभी लारी अड्डा और लारी अड्डा से फिर वापस हाईएस पे बैठेंगे और सीधे अपने गाँव को निकलेंगे इंशाल्लाह। तो ये मानसेरा का हमारा सफ़र था। मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और चैनल पे जो नए हैं उन सबसे एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए वसीम शाह को इजाज़त, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफ़िज़।